हरियाणा का मशहूर सिंगर मासूम शर्मा का शनिवार रात एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में सिंगर की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि मासूम शर्मा बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट से पहले मासूम शर्मा का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। विवाद के बाद मासूम शर्मा उन युवकों का पीछा कर रहे थे। इस बीच उनकी गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर पर चढ़ गई और पत्थरों से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में मासूम शर्मा को हल्की चोटें आई। पीएसआई साक्षी ने बताया कि रात को मासूम शर्मा की कार के एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक सिंगर मासूम शर्मा के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस एक्सीडेंट से पहले मासूम शर्मा का मेडिकल मोड़ के पास गाड़ी में सवार युवकों के साथ विवाद हुआ था। इससे पहले करीब एक महीने पहले मासूम शर्मा को व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी धमकी मिली थी। मासूम ने जुलाना थाने में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा भी दी गई। लेकिन शनिवार रात जब ये घटना घटी तो उनके साथ उनका सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। उस धमकी भरे कॉल में मासूम शर्मा को गालियां दी और बाद में उसी शख्स ने उनको और उनके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। वहीं जब इस बारे में मासूम शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कॉल करने वाले व्यक्ति से उनकी पहचान पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया। जान से मारने की धमकी मिलते ही मासूम शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बता दें, जनवरी 2021 में कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसानों के विरोध के बीच मासूम शर्मा को बीजेपी के सदस्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में हरियाणवी कलाकारों के सामने आने वाले मुद्दे के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया था। सीएम से मिलने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।